आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। वहीं आज खरना के दिन कोरैया पंचायत में दो छठ घाट निर्माण के बाद आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें बसौता गांव वहीं वार्ड नंबर दो में वार्ड सदस्य द्वारा फीता काटकर छठ घाट का उद्घाटन किया गया, जिसमें उद्घाटन के समय काफी संख्या में व्रतधारी महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। कोरैया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नागेश्वर चौहान द्वारा छठ से एक दिन पूर्व व्रतधारी के लिए घाट का निर्माण कर जनता के लिए समर्पित किया। वहीं छठ घाट के उद्घाटन के बाद समाज सेवी नागेश्वर चौहान ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। छठ से पूर्व कोरैया पंचायत में आज छठ घाट का निर्माण के बाद उद्घाटन कहाँ कहाँ हुआ, किन किन गांवों में? सर्वप्रथम बसौता गांव में एक जो न्यू छठ घाट जो बना था उसको भी आज उद्घाटन किया गया है। और जो यहां अभी कोरैया पश्चिम टोला, यहां छठ व्रतियों के लिए हमेशा छठ के समय बहुत कठिनाइयां हुआ करती थी, और हमारे गार्जियन स्वरूप जितने भी हमारे थे, दादा चाचा सभी भाई थे, वो हमेशा हम लोग से आग्रह करते थे कि यह छठ घाट जो बन जाएगा, जिससे छठ के समय जितने भी छठ व्रतियां होंगी, जो छठ करने में कठिनाइयां होती है वो नहीं होगी। और सभी को बातों को हमने सुना, और यहाँ एक छठ घाट जो हम लोग छठ के एक दिन पूर्व जो बनाकर जितने भी छठ व्रतीय है सभी लोगों को हम लोग सपुर्द कर रहे हैं। और इस लोक आस्था के महापर्व जो छठ है, वो छठ पूजा है, जितने भी छठ व्रतीय है सभी को मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ, और माँ छठी मैया से विनती करता हूँ कि वो सभी को सुखी मैं उनको उनके परिवार उनके बच्चे को रखे। और जो कि छठ घाट जो बना हुआ है, सभी का मेहनत लगा हुआ है, गांव समाज माताएं बहनें सभी का सहयोग हुआ जो छठ घाट बनकर तैयार हुआ। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम नागेश्वर चौहान हुआ, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राजपुर।